मंडी के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज व अस्पताल नेरचौक में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज का पुख्ता इंतजाम किया गया है। प्रदेश सरकार ने नेरचौक अस्पताल को कोविड 19 समर्पित अस्पताल घोषित किया है। यहां इलाज के लिए सभी सुविधाएं हैं। अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ ऐसे मामलों में उपचार व देखभाल करने के प्रति पूरे प्रशिक्षित हैं। ये जानकारी उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित 50 मरीजों के उपचार की व्यवस्था है। इसके आवश्यकता अनुरूप 100 तक बढ़ाया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के संदर्भ में मानक प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में किसी को भी जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज व अस्पताल टांडा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में इन तीनों अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज ये कोविड हॉस्पिटल सरकार द्वारा घोषित किया गया है, और साथ ही साथ जो तीन मेन फैसिलिटीज है हिमाचल में, आईजीएमसी शिमला है, टांडा है और नेरचौक मेडिकल कॉलेज है, ये तीनों में कोविड की जितने भी हमारे पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। सभी हॉस्पिटल्स जो है वो पूरी तरीके से इक्विप्ड है कितने भी केसेस को डील करने में, और ये तीनों जो हॉस्पिटल है ये पूरे स्टेट के हॉस्पिटल्स है, ना कि किसी जिला स्पेसिफिक के हॉस्पिटल्स है। तो वहां पर कहीं से भी पेशेंट जो है वो इन हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। जहां बात इस हॉस्पिटल की है तो इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी है कि जिसमें इनिशियल में जो है 50 पॉजिटिव पेशेंट आ सकते हैं, वहां पर उनको ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर्स उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रेंड है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी ट्रेंड है। तो अगल बगल के किसी लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक फैसिलिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, और जिसमें ये हिमाचल के जितने भी पेशेंट्स आएंगे, जहां से भी आएंगे, वो वहां पर उनको ट्रीट किया जाएगा, और किसी को घबराने की बात नहीं है। पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं और जो है उनका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, और इसमें कोई सेफ्टी का कोई इश्यू किसी को नहीं आएगा। उपायुक्त ने सोशल मीडिया में धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी व भड़काऊ पोस्ट डालने से बचने की हिदायतें भी दी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें कोई भी शेयर ना करे जो समाज का माहौल बिगाड़ सकती हो। ऐसे पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मामले भी दर्ज किए जाएंगे। हमने सभी लोगों से अपील की है कि कृपया करके धर्म विशेष के बारे में इस तरह से कोई टिप्पणी ना करे जिससे कि सामाजिक माहौल जो है वो खराब होता है। एसपी साहब द्वारा भी इस मैटर को रेज किया है और हमने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। जो भी लोग इस तरह से पोस्ट फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको हमने आदेश दिए थे कि इन पोस्टों को इमीडिएटली हटा दो, अन्यथा आपके जो है वो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये जो आज का जो हमारा चैलेंज है वो हमारी लड़ाई कोरोना के साथ है, और इसमें आपसी ये पूरी सभी जो इंसान है वो सब लोग मिलजुल कर इसमें लड़ाई में भाग ले। इसमें ये समय नहीं है कि हम आपसी जो है मतभेद को बढ़ाएं, और इस तरह की जो एक्टिविटी करेगा उसको उसका जो है प्रशासन सख्ती से उन पे पेश आएगा। साथ ही साथ आज हमने जिला मंडी के सभी प्रधानों को एक चिट्ठी लिखी है, एक डीओ लेटर लिखा हुआ है, उन सबसे भी आग्रह किया है। आग्रह हमारा दो पॉइंट्स पे है। सबसे पहला पॉइंट इसी विषय पे है कि उतने अपने अपने पंचायतों में जो भी व्यक्ति रह रहा है, काफी टाइम से रह रहा है, उनको अननेसेसरी परेशानी ना हो, इसका प्रधानों ने विशेष ध्यान देना है। अगर कोई उनको दिख रहा है कि कोई दिक्कत हो रही है तो वो प्रशासन को, पुलिस को अवगत करवाए ताकि हम तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड कर सकें। साथ ही साथ प्रधानों को हमने पहले ही सर्वेलेंस ऑफिसर घोषित किया है एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, और वो अपनी पंचायत में जिन लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है वो सुनिश्चित करने के लिए, जो हमारा कर्फ्यू है उसका सही तरीके से पालन हो रहा है इसको सुनिश्चित करने के लिए उनको शक्तियां प्रदान की गई है। उनसे भी आग्रह किया है उस डीओ लेटर के माध्यम से कि वो इसको सुनिश्चित करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग हम रखना चाह रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया जो चलाई रही है जिसमें कि हमने कर्फ्यू लगा रखा है, लोगों को अपने घरों में रहने का आग्रह किया है, ये सब तभी सफलतापूर्वक हम पार कर पाएंगे अगर हमें सभी प्रधानों का इसमें सहयोग मिलता रहे।